आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जल्दी जल्दी बस घर छोड़ दे, फिर जो गुंजन भाभी के पहुंचने से पहले मैंने घर पहुंचना होगा, वरना बाय गॉड उन्हें ना मुझ पर पक्का शक हो जाना है। चल चल चल। ओ नो फिकर वन बलदेव यार, हैं चिंता ना कर, अब मैं ऐसे बाइक नु जुब जाप करके चलाऊंगा ना, ऐसे लगेगा तू उड़ रही है। वैसे ना मैं एकदम परेशान हो गया हूँ, मतलब चैन से कहीं हम वक्त ही नहीं गुजार सकते। जहाँ भी जाते कोई ना कोई टपक पड़ता है, तेरे वीर को भी यहाँ आना जरूरी था। वीर जी के बारे में कुछ मत कहना, समझा? क्यों ना बोलूं, हैं? सारा मजा किरकिरा कर दिया एकदम। मतलब तेरे वीर को क्या जरूरत थी यहाँ टपकने की, कहीं और भी तो जा सकता था। होए, तू भी तो मैंने कहीं और ले जा सकता था ना, पक्का। तेरी ना बहन ने कहा होगा मेरे वीर जी ने यहाँ आने वास्ते, इसीलिए वो है। तेरी बहन बीच में टपकी थी। हाँ तेरा वीर टपका है, समझी? ओह बलदेव, बकवास ना कर, तेरी बहन बीच में टपका तो तेरा वीर ही है। चाय जी रहने दीजिए ना, आप मैं कर लूंगी बाद में। चैन से चाय पीना, चुपचाप बैठकर रहने दे। अरे वीरा, वीरा क्या हो गया, ऐसे दौड़ते हुए कहाँ से आ रही है? की होया? कुछ हुआ कि कहाँ गई थी? हाँ सब ठीक है। नहीं दीजिए, वो यहाँ आसपास ही थी सहेली उदे नाल, तो मैंने सोचा घर लौटते समय दौड़ कर आ जाऊँ, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है ना, और इसी बहाने मेरा वजन भी कम हो जाएगा। After all, आपने इतना खिला पिला कर मैंने मोटा जो कर रखा है। पता है तेनु पसंद आएगी। आओ जी आओ, लो देखो आ गए हमारे घर के हीर रांझा। वैसे वीर जी, गुंजन भाभी, पिक्चर कैसी रही? वीरा तेनू कैसे मालूम कि हम पिक्चर गए थे? मैंने तो तेनू बताया भी नहीं। मैंने भी नहीं बताया था। हमें भी किसी ने कुछ नहीं बताया। वीरा तेनू कैसे मालूम पड़ा कि हम पिक्चर देखने गए थे? एक्चुअली क्या है ना गुंजन भाभी, जब भी आप दोनों साथ में पिक्चर देखकर आते हैं ना, तो आपके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है, तो बस मैंने अंदाजा लगा लिया। हाँ चीचू, ये गल तो सही गई तूने, सच में देख कैसी रौनक इसके चेहरे पर। बस पुत्र, तुम लोग ऐसे ही खुश रहो हमेशा। जाओ तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। वीर जी बाकी पॉली हाउस की साइड पर ना काम बहुत अच्छे से चल रहा है। बाय गॉड सारे लोग ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मेरे अनुमान से ना 10-15 दिन में सब कुछ तैयार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाना है। अच्छा वीरा, हाँ। तो बहुत बढ़िया गल है। तू काम करके तू आज आराम कर ले, तू रोज जाती है ना, आज मैं वहाँ चले आता हूँ तेरी जगह। और वैसे भी आज खेतों में ज्यादा काम भी नहीं है। नहीं नहीं वीर जी, मतलब मैं सब संभाल लूंगी ना, और वैसे भी मेरे पास तो और कोई काम भी नहीं है ना, आप खेतों का काम संभालिए ना, और अगर मैंने आपकी जरूरत पड़ी तो मैं खुद से आपको कह दूंगी, इसमें कौन सी बात है। लेकिन अब तक सब कुछ कंट्रोल में है, सब चंगे तरीके से चल रहा है। सच्ची ठीक है, चल। गर्मा गर्म पराठे।
रंजन भाभी देखिए ना वीर जी की थाली में पराठा खत्म हो रहा है, एक पराठा दे दीजिए उनको। ये पराठे कौन? हाँ हाँ जो वीरा ने बार बार फोन किए जा रहा है, पर वीरा उससे हमारे सामने बात क्यों नहीं कर रही है? फोन काट रही है, जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। पर क्या देव, बाय गॉड तुझमें ना पेशेंस का पी भी नहीं है। क्या जरूरत है इतनी बारी कॉल करने की? तुम्हें पता तो था ना कि हम बॉली हाउस की साइड पर मिलने वाले। बाय गॉड आज तो घर पर से आप बहुत तो होते बच गए। तेन पता है कुंजम भाभी ने ना बस तेरा नाम मेरे फोन स्क्रीन पर वेख ही लिया था। और सिर्फ तेरे फोन पर मेरा नाम देखने वाली थी ना, तेरे दिल पर मेरा नाम तो नहीं देखा ना। अच्छा सुन, वो आज यहाँ का काम निपटा कर तू मेरे साथ बाहर शहर चलेगा। एक्चुअली की है ना, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, वो सुधरवाने देना। जस्ट होप कोई बड़ी प्रॉब्लम ना, वरना बाय गॉड बहुत खर्चा हो जाना है। ऊपर से जो टाइम लगेगा वो अलग। यू फॉरगेट मैं यार, पैसों की बात कहाँ से आ गई? मुफ्त में ठीक कराएंगे तेरा लैपटॉप। हाँ और नहीं तो की ऐसा कौन सा दुकानदार है इसकी इतनी मजाल हो कि बलदेव सिंह से पैसे मांगेगा है? मैं जब जाता हूँ ना तो लोग ना मुझसे खर्चा मांगते नहीं है, उन्हें देख कर मेरे ऊपर खर्चा करते हैं। बलदेव अपनी मेहनत के पैसे मांगने में कोई बुराई नहीं होती, और वैसे भी तू क्या सारी जिंदगी बस ऐसे ही मुफ्त में काम करवाता रहेगा? हाँ और नहीं तो की तू भी तो मुझसे मुफ्त में ही काम करा रही है यहाँ है? मैंने तो ये जिंदगी भर करना पड़ेगा ना। वो तो तू अपने बॉयफ्रेंड होने का फर्ज निभा रहा है। अच्छा मतलब तेरा काम करूँ तो फर्ज है? सही है ऐसे ना, ये तेरी जुबान है ना आजकल कच्ची से भी ज्यादा तेज चलने लगी है। अभी तेरी बोलती बंद करता हूँ मैं। आपस में किट पिट होती रहती है, किट 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 होती रहती है। ये मोहब्बत है या लड़ाई है, कभी लगे हो के शो के कभी शामत आई है। वो हैप्पी शैप्पी वाला, दिल को धड़काने वाला, मतलब शब करने वाला इश्क है। मोहब्बत करने वाला, दिल को धड़काने वाला, मतलब शब करने वाला इश्क है। मोहब्बत करने वाला, दिल को धड़काने वाला, मतलब शब करने वाला इश्क है। काम कैसा चलता है पे? हैं? और आज बलदेव भी आए मदद करने वास्ते। चलो बढ़िया। वीर जी काम तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन आज आप यहाँ कैसे? ओ आज मैं ना खेतों का काम जल्दी निपटा के थे आ गया। मैं सोचा तेरी मदद कर दांगा। अब मैं जानता कि तेनू कोई मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा अभी इतना बड़ा काम है तो तेरा वीर छोटा मोटा काम तो कर ही सकता ना इतने, है ना? चल वीरा दिखा मैनू की चलना पे, आ जा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।